फ्रेंड, हमारी सरस्वती माता की बसंत पंचमी की पूजा कर ली है हमने, और आज हम मंदिर जा रहे हैं। आज माह का महीना है, बहुत पावन महीना है, तो आज हम मंदिर में जाके हवन करवाएंगे। और मेरा छेमनाथ बाबा का व्रत भी था, और मेरा छेमनाथ बाबा का व्रत था जो मैं शायद 1 साल से कर रही थी, उसका भी मुझे उद्यापन करना है। और आज मंदिर में जा रही हूँ हवन करवाने के लिए, क्योंकि आज का दिन बहुत अच्छा होता है मंदिर में पूजा करवाना, हवन करवाना, तो मैं जा रही हूँ। तो मैं आज आपको मंदिर में जाके दर्शन करवाती हूँ छेमनाथ बाबा का। मंदिर जा रहे हैं, तो मंदिर में जाके मिलती हूँ वाले हैं। खेत है यहाँ पे, मटर के खेत हैं, मकान भी बन रहे हैं खेत के पीछे पीछे, और ये है मटर के खेत, इतने अच्छे लग रहे हैं। देखिए देखिए, प्याज की खेती हो रही है यहाँ पे, ये गोभी है बंद गोभी, और ये फूल गोभी है। देखिए प्याज की खेती हो रही है, और देखिए फ्रेंड ये फूल गोभी के पेड़ हैं। अभी यहाँ फूल गोभी के पेड़ हैं, ये अच्छा लग रहा है, फूल गोभी की खेती होती है यहाँ पे, इतना बढ़िया लग रहा है। देखिए ये आलू की खेती हो रही है यहाँ पे, सरसों की खेती है। कहते हैं आज के दिन सरसों का फूल चढ़ाने से बहुत बच्चों को बुद्धि मिलती है। सरसों का फूल है, सरसों की खेती है। देखिए हम मंदिर आ गए हैं छेमनाथ बाबा के, और ये दरवाज़ा है, और यहाँ आज के दिन बहुत सारे लोग आते हैं। देख सकते हैं कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पे, कितना मेला भी लगा है। ये देखिए मंदिर का नज़ारा कुछ इस तरह का है, देखिए कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पे। अब आ गया हमारा मंदिर, छेमनाथ बाबा का मंदिर। देखिए फ्रेंड, आज यहाँ पे कितना अच्छा मेला लगा हुआ है, तब आए हुए हैं यहाँ के मेले में, और ये देखिए कितने सारे खिलौने मिल रहे हैं यहाँ पे, आपको आज के ब्लॉग में देखने को मिलेगा। ये देखिए गोलगप्पे हैं, जिस चीज़ को खाना है खा लीजिए। ये देखिए मंदिर का गेट आ गया है। आज के दिन बहुत भीड़ होती है यहाँ, सब भंडारा करवाते हैं। देखिए कितनी भीड़ है, मैं आपको दिखा रही हूँ पब्लिक की भीड़ कितनी है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे प्रसाद मिल रहा है, प्रसाद है मेरे पास यहाँ पे, देखिए प्रसाद मिल रहा है। देखिए मंदिर ऐसा है, आ जाओ प्रसाद ले लो, आ जाओ भैया, एक चादर दे देना। यहाँ से मैं चादर खरीदने वाली हूँ, ये देखिए गार्डन में कितना अच्छा लग रहा है। ये मैंने चादर ली है छेमनाथ बाबा के लिए, मुस्कान दे देना जल्दी। हाँ भाभी एक मिनट वाली है, लो गिनो गिनो कितने हैं। अरे कोई बात नहीं, 10 के नहीं लल्ली, 10 के दे देती, बिल्कुल भी ना है ना है। देखिए फ्रेंड ये मंदिर है, और ये जूते चप्पलों का स्टैंड है, यहाँ पे जूते चप्पल रखे जाते हैं। फाइनली फ्रेंड आ गया छेमनाथ बाबा का दरबार, आज आपको दर्शन करवाती हूँ छेमनाथ बाबा का। देखिए मंदिर सजाया हुआ है, छेमनाथ बाबा का दर्शन कर।
देखिए फ्रेंड, ये शिवनाथ बाबा का कुंड है, जहाँ पे कहते हैं नहा लेने से बड़ा दुख भी दूर हो जाता है, इसलिए लोग यहाँ के आके यहाँ पे सब नहलाते हैं। देखिए मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, ये देखिए। और आज यहाँ पे भंडारा हो रहा है, इसीलिए आज यहाँ पे इतनी भीड़ है, क्योंकि वहाँ का मेला है ना, इसलिए। देखिए यहाँ पे भंडारा हो रहा है, देखिए यहाँ पे लोग ढोल बजवा रहे हैं। ये लिए देखिए फ्रेंड, कितने बड़े बड़े ढोल रखे हुए हैं यहाँ पे, ये देखिए कितने बड़े बड़े ढोल रखे हुए हैं, सब लोग खाना खा रहे हैं, जिन्होंने पूजा कर ली है यहाँ पे। देखिए कितने बड़े बड़े ढोल रखे हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, मैं यहाँ शिवनाथ बाबा के 11 दीपक जला रही हूँ उनको दिखाने के लिए। यहाँ तो हवन ववन कुछ नहीं हो रहा है, तो हम लोग ना मुंडन कम हो रहा है, कुछ ज्यादा ही लगता है, पूजा हो रहा है। निकलना है तो निकल ले, तू तेरे को निकलना है तो तुम निकल ले जा। अब तुम चल रही है सर? हम चल रहे हैं। फाइनली फ्रेंड, मेरी पूजा हो गई है, अब मैंने पूजा कर ली है, अब मैं घर जाऊंगी। बच्चे खाना खाने के लिए गए हैं और मेरा उद्यापन आज हो चुका है, तो अब आपसे घर जाके मिलती हूँ।
देखिए फ्रेंड, किसान कितनी मेहनत करके फसल उगाता है और इतनी ठंड में भी मूली का फसल है और मूली उखाड़ रहे हैं। देखिए मूली उखाड़ रहे हैं ये लोग। देखिए साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन देखिए अब दिखाई दे रहा है, मूली उखाड़ रहे हैं। Thank you.